लाइव हेयर कलर कलर हमें गीले बालों पे अप्लाई नहीं करना है पार्टीशन करें हैं वो फोर पार्ट में ओ oh शिट ये क्या हो गया हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमरन खान आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैं आज लाइव हेयर कलर करने वाली हूँ अपने वो भी घर पर सो so, थोड़ा सा रिस्की है बट ऐसा नहीं है कि मुझे बिल्कुल नॉलेज नहीं है इस चीज की थोड़ी बहुत नॉलेज है और थोड़ा बहुत मैंने टू बी ऑनेस्ट थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च भी कर लिया है तो बाकी अब कैसा रिजल्ट आएगा वो तो वीडियो के एंड में ही पता चलेगा आपको सो हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए क्योंकि मैं बहुत संभाल संभाल के करूंगी ये चीज और फर्स्ट टाइम कर रही हूँ अपने हेयर कलर मैं घर में अभी तक मैंने सलोन से ही हेयर कलर कराए हैं और सेकंड थोड़ा सा डर मुझे इस चीज का भी लग रहा है कि मेरे जो हेयर हैं वो आधे हेयर जो है ना वो प्रीलाइट हेयर हैं और आधे वर्जन हेयर है ठीक है तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि प्रॉपर एक जैसे हेयर नहीं है एंड uh, देखते हैं क्या होता है अभी के आप मेरे हेयर कलर देख लो मैं अच्छे से दिखा देती हूँ आपको स्क्रीन पर वर्जन हेयर है जो अभी नए ग्रोथ हुई है यहाँ तक इतने और ये जो ये हेयर है वो मेरे प्री लाइट हेयर है जो कलर करे हुए हैं थोड़े बहुत जो क्वेश्चन हैं जिन लोगों के जो घर में हेयर कलर करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं कोशिश करूंगी कि इस वीडियो में उनको आंसर मिले कुछ के आंसर शायद मिल जाए उनको तो हम जल्दी से ज्यादा इंट्रो बड़ा नहीं करेंगे हम जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले जो लोग भी मेरे वीडियोस पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ठीक है तो चलो जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसेस सो so, हेयर कलर करने से पहले हमें सबसे पहले अपना हेयर शैम्पू करना है क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो हमारे हेयर से निकल जाए और कलर जो है ना वो प्रॉपर तरीके से आए शैम्पू मैंने कर लिया कंडीशनर नहीं किया है सिर्फ शैम्पू किया है अगर आपने ऑयलिंग कर रखी है हेयर पे तो आप मेक श्योर sure करना कि आप दो बार भी दो से तीन बार शैम्पू कर लो ताकि अच्छे से आपके हेयर पे जो ऑयल है वो निकल जाना चाहिए तो कलर हमें गीले बालों पर अप्लाई नहीं करना है हमें पहले अपने हेयर को ड्राई करना होगा तो मैं फटाफट से ब्लू ड्राई कर लेती हूँ अपने हेयर ब्लू ड्राई करने के बाद कॉम कर लेंगे अपने हेयर में हम अच्छे से मैं हेयर को सुलझा लूंगी मैं इतना हेयर केयर करने के बाद भी हेयर फॉल ने अपनी औकात दिखा दी अगर आप हेयर कलर कर रहे हैं डाई कर रहे हैं हेयर को तो अपने जो ये वाले पार्ट है आपका स्किन का लाइक यहाँ पे जहां जहां आपके कलर लग सकता है अप्लाई करते टाइम, पर आप वेस्लिन या ऑयल लगा लें, कोई भी जैसे कि मेरे पास कोकोनट ऑयल है तो मैं ये अप्लाई कर लूंगी पे लग सकता है कान के पीछे कलर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे अगर आपके लग भी जाता है तो वो कलर नहीं आएगा वैसे कलर निकल जाता है स्किन पे लगने के बाद बट फिर भी अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है एंड सेकेंड आप कोई भी घर में अगर कोई बेकार टॉप है वो पहन लें जो जैसे कि मैंने वेयर कर रखा है इस टाइम पे जिसमें अगर कलर लग जाता है तो यू नो यू नो नया टॉप खराब ना हो सो so, इसलिए तो कलर लिया है मैंने लोरियाल का माजरेल कलर जो कि नंबर है इसका सिक्स पॉइंट थ्री ओके इसका प्राइस है थ्री सेवेंटी फाइव रुपीज का ये ट्यूब पड़ा है मुझे जो कि है फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव ग्राम है अराउंड फिफ्टी ग्राम है ये ठीक है इसके लिए जो डेवलपर मैंने लिया है वो स्ट्रिक्स प्रोफेशनल का लिया है ये ट्वेंटी वॉल्यूम है और ये ढाई सौ एम है ये मुझे पड़ा है वन ट्वेंटी uh, का एक ब्रश ये वाला जिससे मैं प्रोडक्ट अप्लाई करने वाली हूं ये भी आपको इजीली मिल जाएगा कहीं भी किसी भी स्टोर पे यहां पे इंपॉर्टेंट है ग्लव्स होना तो ये ग्लव्स मैंने लिए हैं अब हम बालों का सेक्शन कर लेते हैं ठीक है पीछे से भी इसी तरीके से मैं दो पार्ट में डिवाइड करूंगी अपने हेयर मैंने अपने हेयर के जो पार्टीशन करे हैं वो फोर पार्ट में किए हैं दो पार्ट ये और इस तरीके से एक दो एंड तीन चार ठीक है चार पार्ट में मैंने अपने हेयर को डिवाइड करके उनको अच्छे से सिक्योर कर दिया है हेयर क्लिप से कलर और डेवलपर को मैं आप मिक्स करती हूँ टू तो बी ऑनेस्ट मैंने जितने इंस्ट्रक्शन इस प्रोडक्ट के पढ़े हैं आज तक मैंने किसी प्रोडक्ट के नहीं पढ़े हैं थोड़ा सा डर यू नो थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि हेयर कलर में पहली बार लाइक like, प्रोफेशनली हेयर कलर मैं घर पे पहली बार ऐसे कर रही हूँ अंदर से पैकेजिंग कुछ इस टाइप की इसकी निकली है इसको हम ओपन करते हैं एक बाउल ले लिया है मैंने घर में बेकार सा जो पड़ा था इसमें मैं ये सारा ट्यूब निकाल दूंगी एंड ये डेवलपर है ट्वेंटी एम ट्वेंटी वॉल्यूम का स्टिक्स प्रोफेशनल का जैसे कितना मिक्स करें जैसे आपने जितना भी ट्यूब लिया है उससे डबल एंड आधा और डालना है तो मैं इस ट्यूब में पूरा इसका आधा मिक्स करूंगी अब हम इसको अच्छा सा एक थिक पेस्ट बनाएंगे प्रॉपर तरीके से मिक्स हो गया ये अब हम अप्लाई करेंगे हेयर में पीछे के बालों पे एप्लीकेशन करूंगी क्योंकि अगर मैं पहले अपने आगे के फ्रंट हेयर पे कर लूंगी ना तो फिर मुझे पीछे देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी सो so, इसलिए अभी टाए हैं हेयर तो मैं पीछे से ओपन करूंगी फर्स्ट सेक्शन तो अच्छे से कॉम कर लूंगी फोना इम्पॉर्टेंट है ताकि ये बाल आपके इरीटेट ना करें तो हाथ से भी एप्लीकेशन कर सकते हो और ब्रश से भी कर सकते हो सो so, यहाँ पर माइक में ग्लव्स की आवाज़ बहुत इरिटेट कर रही है इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आपको बालों के जो पार्ट है धीरे धीरे लूज करना है उसको कॉम करना है और अच्छे से क्रीम अप्लाई करना है आप चाहो तो हाथों से भी अप्लाई कर सकते हो जिसमें आपको कंफर्टेबल लगता है जिसमें आपको लग रहा हो कि आपके हर एक बाल में क्रीम लग रही है कलर लग रहा है सो so, वैसे आप करिए पॉइंट्स पर जो है ना ब्रश की हेल्प से करिए उसके बाद फ्रंट के हेयर मैं यहाँ पे ओपन कर रही हूँ क्योंकि बैक साइड हो गई है एक ही साइड के कवर कर रही हूँ कॉम करना इंपॉर्टेंट है बाल सुलझे होंगे ना तो क्रीम अच्छे से अप्लाई होगी जिस तरीके से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रही हूँ क्रीम को आपको सेम इसी तरीके से करना है बहुत ईजी रहता है और बहुत अच्छे से सारी क्रीम अप्लाई भी हो जाती है हेयर पर ओके इस तरीके से उल्टे करके भी बाल करना है नीचे की साइड और ऊपर की साइड भी इधर वाले पार्ट में हो गया है अब मैं इधर का बैक वाला पार्ट ओपन करूंगी कलर लगाने में टाइम का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि टाइम थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो आपके कलर खराब हो सकते हैं बाल खराब हो सकते हैं लुक अच्छा नहीं आएगा सो इसलिए टाइम का ध्यान रखना पड़ता है बाकी बालों पे क्लिप लगानी है एंड And... यहाँ पर जिस तरीके से मैं कर रही हूँ ना कि थोड़े से बाल ओपन करो फिर उसके बाद हाथों से अप्लाई करो क्लीन यहाँ पे हाथों से मैं इसलिए अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और मुझे मतलब ध्यान रखना है ये अब फ्रंट के हेयर कर रही हूँ ओपन करने के बाद कॉम करना इम्पोर्टेंट है ताकि बाल सारे सुलझ जाएं और अब फ्रंट के हेयर में यहाँ पे क्रीम अप्लाई कर रही हूँ उसी तरीके से सेम टिप्स रहेगी कि ऊपर पहले लगाओ फिर नीचे लगाओ उसके बाद मसाज जैसे हम स्पा क्रीम लगाते हैं उसी तरीके से अप्लाई कर दो क्रीम बस डेट सेट और कुछ भी इसमें कोई बड़ा काम नहीं है कलर लगाना सारे हेयर में हो गई है और सारे ही ऑलमोस्ट सब खत्म हो गई है इसको ना फॉइल पेपर में हेयर को अपने रोल कर लेती हूँ जैसे सलून में करते हैं वो वाला फॉइल पेपर ये मेरे घर वाला यूज किचन यूज वाला फॉइल पेपर है सो मैं इसकी <laughs> इसको मैं रखूंगी अपने वॉश कर दूंगी तो अभी ट्वेंटी फाइव मिनट तक हम वेट करते हैं अपने हेयर में बाकी मैं एक बार बीच में देखूंगी फिफ्टीन मिनट के बाद की क्या उसका आ, क्या प्रोसेस हो रहा है कलर आने का तो चलो देखते हैं रिजल्ट कैसा आने वाला है अब थोड़ा सा डर कम लग रहा है थोड़ा सा मैं देखो, अभी इसको अप्लाई किए हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं तो अभी मैं इसकी कंडीशन देखने वाली हूँ क्या हालात हैं इसके अंदर के क्या प्रोसेस हो रहा है कलर आना स्टार्ट हो चुका है इससे तो बस अब हम वेट करेंगे सिर्फ 10 मिनट एंड क्योंकि ऑलरेडी बीस मिनट हो चुके हैं दस मिनट और वेट करूंगी मैं उसके बाद मैं वॉश करने के बाद अब आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी ओके okay? अभी मैं हेयर वॉश करके आई हूँ तो रिजल्ट क्लियर नहीं दिख रहा है आई नो अभी रिजल्ट दिखेगा जब मैं ड्राई करूंगी हेयर और मैं भी देखूंगी मुझे अभी पता चल रहा है मतलब हल्के हल्के से ब्राउन ब्राउन से हेयर हुए हैं बाकी मैं ब्लो ड्राई करके दिखाती हूँ फाइनल रिजल्ट फाइनल so, रिजल्ट आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे अपने बिफोर हेयर की और आफ्टर हेयर की दोनों की पिक लगा दूंगी ताकि आपको क्लियर पता चले कि रिजल्ट आया क्या है एंड uh, मैं आपको क्लोजली दिखाती हूँ जो रिजल्ट चाहिए था मुझे सेम एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया है ड्राई okay. भी नहीं हुए हैं ऐसे क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारे हेयर कलर करने के बाद जो ड्राई होते हैं ना वो ब्लीच लगाने से हो जाते हैं बट अभी मैंने डायरेक्ट अप्लाई किया है कलर तो मुझे नहीं लगता कि ये हेयर ड्राई हुए हैं बहुत शाइन कर रहे हैं हेयर है है। शाइन करो खुल के ओके चलो हम वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं अभी तक जिन्होंने इंस्टा आईडी मेरी फॉलो नहीं की है मेरी इंस्टा आईडी है सिमरन खान मेकओवर कोई स्पेस नहीं है बीच में मैं मेंशन भी कर दूंगी स्क्रीन पर वहां पर मैं हेयर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस डालती रहती हूँ रील्स में तो आप लोगों को भी इजी होगा देखने में तो चलो हम यहाँ पर वीडियो अपनी एंड करते हैं अपने बालों को थोड़ा सा लहराते हुए वैसे मैं अपने इस हेयर कलर से बहुत खुश हूँ आई एम वेरी 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 हैप्पी जितनी बार भी मैंने सलून में कलर कराया है मैं इतना नहीं हुई हूँ जितना मैं इस बार खुद से करके हुई हूँ इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि बहुत कम ही प्राइस में मैंने अपने पूरे हेयर कलर कर लिए हैं अगर मैं यही कलर मैं ग्लोबल कलर सलोन में कराती हूँ तो चार हजार का होता ही होता है और वो भी अपनी खुद के हाथों की कारीगरी से तो दिल तो खुश हो गई। हाँ अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन हो हेयर एंड मेकअप से रिलेटेड आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हो नहीं नहीं नहीं, सलोन वाली सर्विस घर में ही करूं लाइक कैरेटीन हो गई या स्मूथनी हो गई तो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना मैं ट्राई करूंगी ओके तो चलो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना हम जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में ओके बाय